नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार, आप लोग देख रहे हैं हमारा मोर मितान चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा सालेवारा घाटी और घाटी का ये खूबसूरत दृश्य अपने कैमरे में कैद कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोग भी इस घाटी को घर बैठे देख सकें। वैसे तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह की घाटी देखी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कहीं गए होंगे तो, लेकिन आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के सालेवारा घाटी, सालेवारा घाट दिखाऊंगा, जो काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि अभी आप लोग देख रहे होंगे ये रोड तो उतना ठीक नहीं है करके सोच रहे होंगे, तो अभी बन रहा है ये नया, इस वजह से थोड़ा अभी दिक्कत हो रहा है आने जाने में। बाकी आप लोगों को तो अभी साले वाला घाटी दिखाऊंगा मैं, बस कुछ देर में लग जाएगा घाट। काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, रोड बन रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, धूल डस्ट काफ़ी है। ऐसे परिस्थिति में गाड़ी को चलाना इतना आसान नहीं होता है, धीरे चलना चाहिए। हमको लोगों से अपील करेंगे, जब ऐसे जो है रोड दिखाई दे या फिर साफ सुथरी भी रोड हो तो धीरे ही चलाना चाहिए, कम स्पीड में ही दुर्घटना से देर बनी। जंगल है पूरा, अभी घाट पर आरंभ नहीं हुआ है। दोस्तों, आप लोग मुझे बोलते हो कि आप छत्तीसगढ़ी में क्यों नहीं बोलते हो, हिंदी में बोल देते हो कभी कभी, तो मुझे जो लगता है कि ये वीडियो हिंदी में बनाना चाहिए, ये वीडियो छत्तीसगढ़ी में बनाना चाहिए, उसके हिसाब से मैं भाषा का प्रयोग करता हूँ। आप लोग इस चीज़ को कृपया अन्यथा ना ले गए, हिंदी हो या छत्तीसगढ़ी, वैसे तो मैं ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी में ही बनाता हूँ, पर कभी कभी हिंदी भी बोल देता हूँ, तो इसका गलत मतलब मत निकाला करिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर हिंदी बोल रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ी भूल गया, छत्तीसगढ़िया नहीं हूँ, परदेशिया बन गया, ऐसा बोलते हो तो इस को आप नज़रअंदाज करिए। और चलता है हिंदी छत्तीसगढ़ी मिक्स, दे रहा होगा सामने में, ये सामने में है ये वॉच टावर। अब घाट प्रारंभ हो गया है, ये देखिए धूल डस्ट है, इस कारण से कैमरा में भी जो है काफ़ी धूल जम गया है। और ये देखिए बस, गणेश कृपा बस, रामपुर गणेश कलान पैदा का। इधर आपको कहीं जाना है तो बिल्कुल बस मिल जाएगी, बस का दिक्कत नहीं है। ये जो रोड देख रहे हैं साले वाला रोड है, यहाँ से आप सीधे मध्य प्रदेश जा सकते हैं। अभी हम लोग जैसे इस रास्ते से जा रहे हैं तो साले वाला से नर्मदा की ओर जा रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़, और हमारे जस्ट पीछे आप मध्य प्रदेश जाएंगे। अब आप लोगों को दिखाते हैं घाटी का जो है बढ़िया मनोरम दृश्य, ये पूरे जंगल। अब ये चट्टाने इसको तोड़कर
पूरे रोड का निर्माण किया गया है। ये देखिए इस चट्टान में भी जो है पेड़ आपको दिखाई देंगे, जड़ पूरा निकल जाता है बाहर। थोड़ा बन रहा है तो थोड़ा अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम लोग घाटी से उतर रहे हैं, चढ़ नहीं रहे हैं, उतर रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो चढ़ते हुए भी अपन बना सकते हैं। अभी क्योंकि हम सालेवारा से नर्मदा की ओर जा रहे हैं तो ये उतर रहे हैं, और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी घर बैठे देख सके सालेवारा घाटी। सालेवारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले में आता है। बाजू में बड़े बड़े पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे, इधर भी लेफ्ट साइड की और इधर भी राइट साइड की। ये देखिए जेसीबी में खुदाई हो रहा है। बेल डोंगरी पूरा मेले मेले में बेल डोंगरी इस जगह को कहा जाता है क्योंकि यहाँ बेल का पेड़ बहुत है। आप देख सकते हैं ये बेल फड़ा भी हुआ है, तो इस वजह से बेल डोंगरी आसपास के एरिया को कहते हैं। जंगल को सुरक्षित रखना है तो हम सबकी जिम्मेदारी है जंगल को बचाना है, पेड़ पौधे और साथ ही साथ जंगली जानवरों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। प्रकृति चीज़ों के कारण ही हमारा जीवन टिका हुआ है। पेड़ पौधे जंगल पहाड़ पर्वत नदी नाले प्राकृतिक रूप से इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आप देखेंगे तो, और ख़ास करके बरसात के मौसम में तो ये हरा भरा हरियाली नज़र आता है। अभी गर्मी का मौसम है इस वजह से थोड़ा सूखा नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि पत्ते जो है झड़ जाते हैं इस कारण। और सालेवारा के पास से मध्य प्रदेश का जो है बॉर्डर लग जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर के बाद मध्य प्रदेश लग जाता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो ये दोनों प्रदेश जंगलों से घिरा हुआ राज्य है। काफ़ी जंगल पाए जाते हैं इस दोनों राज्यों में। 30 किलोमीटर दूरी लिखा है यहाँ, और ये देखिए उस रोड में हम लोग जाएंगे। नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर जो है नीचे रोड दिखाई दे रहा है चल रही है, इधर नीचे हम लोगों को जाना है। तो अभी उतरते हैं सालेवारा घाटी से। और देखते हैं कितना समय लगता है अभी उधर जाना है हम लोगों को। वो देखिए आप लोग सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा, वो सब वो गाड़ियाँ चल रही है, उधर जाना है। काफ़ी बड़ा है ये घाटी और इधर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अक्सर चलती है क्योंकि तो मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर भी है इस तरफ बाहर, तो इसके कारण आना जाना काफ़ी लगा रहता है बड़ी बड़ी गाड़ियों का। बालाघाट जिला लगता है यहाँ से, इधर से पास में मध्य प्रदेश के, और छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला। शाम का ये वक्त है, 5:30 बज रहा है, और ये देखिए
मोड़ में सावधानी पूर्वक चलना जरूरी है, क्योंकि मोड़ में दिखाई नहीं देता है सामने से क्या गाड़ी आ रही है। और इस जंगल की मैं बात करूं तो काफ़ी बड़ा जंगल है ये, और ऐसा तो नहीं होगा कि जंगल में जानवर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, पर उतना दिखाई नहीं देते हैं, कभी कभी नज़र आता है। वाकई में प्रकृति के बीच में रहो, वहाँ जाओ, जीवन को करीब से देखो, यहाँ प्रकृति के बीच में रहकर उसका अलग ही एक आनंद है। हम कितना भी अपने द्वारा बना ले अपने सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन जो आनंद ये आनंद जो इस प्रकृति के बीच में हमें मिलता है, वो आनंद हमें कोई बना कर नहीं मिल सकता। और ये देखिए पूरे इस क्षेत्र से हम लोग आ रहे हैं अभी, और ये जा रहे हैं। कितना आप अंदाज़ा लगाइए कितना ऊंचा था ये, और ये देखिए ये चट्टानें, देखिए इसको तोड़ कर निर्माण किया गया, तोड़ कर। धूल काफ़ी है भाई, हम बात करें तो पूरा हम लोग धूल बहुत हो गया। ये देखिए पूरे चट्टानों को कैसे बीच से जड़ निकला हुआ है इस पेड़ का, आप देख सकते हैं पीपल का पेड़ है ये। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि सालेवारा घाटी आए हो कि नहीं, और आया हो तो आपको कैसा लगा है सालेवारा घाटी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। वैसे तो मैं कई बार आ चुका हूँ सालेवारा घाटी, पर वीडियो नहीं बनाया था, इस बार मौका मिला है तो मैं बना रहा हूँ। जब ऐसा घाटी रहता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब कुछ सामान लेकर आती है, जैसे ट्रक, हाईवा, रेती, मिट्टी, ऐसे तो काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं, बस बड़ा सावधानी पूर्वक चढ़ाई करते हैं, और ज़रूरी भी है सावधानी पूर्वक। यहाँ से हम लोग ऊपर से होकर आ रहे हैं अपने आप में काफ़ी सुंदर। और ये देखिए सामने कितना बड़ा ये पहाड़। अब आप लोग वीडियो में देख रहे हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं करीब से देख रहा हूँ तो मुझे तो काफ़ी मनभावन लग रहा है ये। सौंदर्य से भरपूर ये साले वाला घाटी, तो मेरे ख्याल से अब ये घाट समाप्त हो गया है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अपना प्यार देते रहिए हमारे मोहन चैनल को, और इसे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। पेज में नए होंगे मोहनवीतान के फेसबुक वाले तो ज़रूर लाइक करिए, फॉलो करिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।